हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं ना सब? हाँ जी, आज हम फिर मिले हैं आपसे कुछ बातें करने हैं। देखो बेटा, ये तो आप जानते ही हो कि जब हमें कुछ भी बाज़ार से सामान खरीदना होता है या लेना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, है ना। तो पैसे दो प्रकार के होते हैं, उसमें वो सिक्के भी हो सकते हैं और नोट भी हो सकते हैं। तो सिक्कों की बात तो हमने आपसे की थी पिछली वीडियो में, लेकिन आपसे नोटों की बात नहीं की थी। तो आज हम नोटों की बातें करेंगे कि नोट कैसे होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर क्या है, ये देखो, ये 5 का नोट है ना। तो इसको देखो, ये कैसा दिखता है, 5 का नोट आपको कैसा दिखता है? देखो इसमें क्या होता है, ये देखो 5 का नोट थोड़ा हरे और गुलाबी रंग का होता है ना। और इसमें देखो, ये जो नोट है इसमें गांधी जी का चित्र बना है। किसका चित्र बना है? गांधी जी का। और यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे एक चिन्ह है, जो कि आपको सब सिक्कों में भी दिखाई दे रहा था ना, हमने आपको बताया था कि ये चिन्ह सब में होता है। तो ये इसे अशोक का चिन्ह कहते हैं, इसे अशोक चिन्ह कहते हैं। ये सभी सिक्कों में भी और नोटों में भी होता है। तो 5 का नोट ऐसा दिखता है, और बीच में 5 का 5 लिखा हुआ होता है। अब ये दूसरा नोट देखो, ये 10 का नोट है। तो इसमें देखो, ये थोड़ा थोड़ा नीले रंग का और थोड़ा थोड़ा लाल रंग का दिख रहा है। इसमें भी देखो, ये अशोक चिन्ह बना हुआ है ना। अब ये तीसरा नोट देखो, है ना, ये कितने का नोट है? ये 20 का नोट है ना। किसका नोट है? 20 का। तो इसमें भी देखो, ये थोड़ा लाल रंग का है और इसमें गांधी जी की फ़ोटो बनी है, और इधर देखो ये अशोक चिन्ह बना है ना। तो बेटा 20 का नोट है ये, है ना। ऊपर सबसे ऊपर 5 का नोट था, ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है। अब ये देखो, ये नीचे 50 का नोट है, ये वाला नोट 50 का है। इसमें भी देखो, गांधी जी का चित्र बना है और इधर अशोक चिन्ह बना है। ये थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग का दिखता है और इसके ऊपर 50 लिखा हुआ होता है। अब ये देखो, ये नीचे 100 का नोट है ये, इसमें ये देखो थोड़ा थोड़ा नीला रंग का और हल्का सा गुलाबी रंग का है। इसमें भी अशोक का चिन्ह बना हुआ है और गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है ना। तो अब देखो, नोट कितने तरह के होते हैं, 5 का 10 का 20 का 50 का 100 का। नोट तो बेटा इससे भी बड़े बड़े भी होते हैं, 200 का भी होता है, 500 का भी होता है ना। लेकिन अभी आप छोटे हो ना, तो अभी आप इन्हीं की पहचान करना सीखो। अब देखो, ये 10 का नोट जो है, ये जो 10 का नोट है, हाँ ये जो 10 का नोट है ना बेटा, देखो इसे, ये इसमें आप 5-5 के, ये 10 का नोट 5-5 के दो नोटों के बराबर होता है। यानी कि जितना सामान 5-5 के दो नोटों से आता है, उतना 10 के एक नोट में ही आ जाता है। यानी कि 10 का नोट 5-5 के दो नोटों के बराबर होता है। ये नीचे 20 का नोट है, तो 20 का नोट जो होता है, इसमें 10-10 के दो नोट होते हैं। यानी कि अगर हम इन्हें तोड़वाने जाएंगे दुकान से, तो ये हम उससे कहेंगे कि 10-10 के दो नोट इसमें आएंगे। उसमें वो हमें, अगर 20 का नोट तोड़वाने जाएंगे, 10-10 के दो नोट हमें दुकानदार देगा, है ना। और ये 50 का नोट है, तो इसमें देखो, इसमें पता क्या है, इसमें 10-10 के 5 नोट होते हैं। यानी कि 10-10 का 5 नोटों में जितना सामान आएगा, है ना, उतना सामान हमारा 50 के एक नोट में आ जाता है। अब ये है देखो 100 का नोट, है ना। तो 100 का नोट 50-50 के दो नोटों से मिलकर बनता है। यानी कि 50-50 के दो नोटों में जितना सामान आता है, उतना हमारा 100 के एक नोट में आता है, है ना। अब देखो, अब आपको थोड़ा थोड़ा पहचान हुई है कि नोट कैसे होते हैं। अब आप अगर दुकान में जाओगे, तो अगर दुकानदार आपसे 5 रुपये मांगेगा, है ना, तो 5 का सामान, तो आप 5 ही रुपये देंगे ना उसे। और 10 का अगर सामान देगा आपको, तो आप उसे 10 रुपये देंगे। और जब 20 का देंगे और 10 का सामान देगा, तो उसको आप समझ जाओगे कि इसमें 10 का सामान आया है, तो 10 का एक नोट और वापस हमें मिलेगा। तो आप 10 का नोट उससे वापस ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब थोड़ा सा होमवर्क कर लें। अब यहाँ देखो बेटा, मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया है, इसमें ऊपर लिखा है खालिस्तान भरो। क्या लिखा है? खालिस्तान भरो। तो हमने क्या करना है, इसमें देखो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 5 रुपए के 5 रुपए के दो नोट, और इधर लिखा है रुपए। आपको बीच में खाली जगह भरनी है।
तो 5 रुपए के दो नोट, आपको पता ना कि 5 रुपए के जब दो नोट होंगे आपके पास, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? आप 5 और 5 को जोड़ देंगे, है ना, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? देखो 5 और 5 10, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके 10 लिख देना है, ठीक है। अब देखो दूसरा, 10 रुपए के दो नोट, क्या लिखा है मैंने? 10 रुपए के दो नोट, तो 10 रुपए के दो नोटों का मतलब है 10 और 10 20 रुपए, कितने हो गया? 20 रुपए। जैसे मैंने ऊपर वहाँ पे 10 लिखा था ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे 20 लिख देना है ऐसे करके, है ना। जैसे ऊपर मैंने पहले 10 लिखा था, अब 20 लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो, अब फिर ऐसे ही नीचे लिखा है 10 रुपए के 5 नोट, क्या लिखा है? 10 रुपए के 5 नोट, तो 10 10 के जब हमारे पास 5 नोट होंगे, तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, तो यानी कि हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? ऐसे 50। ऐसे ही आपको ये 20 रुपए के दो नोट, तो 20 और 20 आपको जोड़ना आता है, 20 20 आप जोड़ेंगे तो यानी हो जाएगा 40 रुपए, है ना। तो यहाँ पे आप बीच में 40 रुपए लिख देंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा था। अब 50 रुपए के दो नोट, ऐसे ही आप 50 और 50 को जोड़ेंगे। जब ये मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि 50 50 के दो नोट मिला के 100 का नोट बनता है, यानी कि 100 रुपए बनते हैं, तो 50 और 50 हो गया 100 रुपए, तो आप यहाँ पे 100 रुपए लिख देंगे। आप इस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, और ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है, और अपनी मैडम को उसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है, ताकि वो आपको देखें और आपको शाबाशी मिले, ठीक है। ओके बेटा, बाय।